हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों, बात करेंगे बायोसुगुरानिल टैबलेट के बारे में, रिव्यू करेंगे बायोसुगुरानिल टैबलेट का। बहुत ज़्यादा डिमांड थी लोगों की कि भाई बायोसुगुरानिल टैबलेट के बारे में बताइए। हालांकि कोई बड़ा टैबलेट नहीं है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अगर इसको एक बार अच्छे समझ लिया तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि बायोसुगुरानिल क्या चीज़ है। देखो, बायोसुगुरानिल एक ब्रांड नेम है जो कि आता है एबॉट कंपनी का, ठीक है। अब इसकी कीमत 150-200 रुपये हो सकती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, 10 गोली 150 रुपये, 160-180 में मिल जाती है। तो ये क्या है, बायोसुगुरानिल एक ब्रांड नेम। इसके अंदर क्या पाया जाता है, सेरेसियोपेप्टिडेज, ये इसका मेन कंपोजिशन है। सेरेसियोपेप्टिडेज ये एक एंजाइम टैबलेट है, ये एक एंजाइम है। सेरेसियोपेप्टिडेज एक एंजाइम होता है, ठीक है। ये इस एंजाइम को सिल्क वॉर्म जो होती है, एक वॉर्म होती है, उससे इस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इंटेस्टाइन में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस फॉर्म में, सेरेसिया 15 के फॉर्म में इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर लैब में इसको कैप्सूल टैबलेट के फॉर्म में बनाया जाता है। तो एक प्रकार का एंजाइम है। अब ये जो सेरेसियोपेप्टिडेज है, 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में मार्केट में होता है। करता क्या है, ये पेन को कम करता है, दर्द बुखार सूजन को कम कर सकता है। क्योंकि ये काम कैसे करता है, इसको समझ लेते पहले अपन। किसका मोड ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल है कि जो हमारे शरीर में जितने भी पेन बुखार के सिग्नल्स जा रहे होते हैं उनको ये ब्लॉक करता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिंस को जाके ब्लॉक कर देता है, ये एंजाइम है। सेरेसियोपेप्टिडेज लगा है, डेज लगा है, समझ लो एंजाइम है। तो ये उसको ब्लॉक कर देता है, तो दर्द बुखार सूजन कम हो जाता है। हालांकि पैरासीटामोल की तरह काम नहीं करता, लेकिन कई बार जब दूसरे एनाल्जेसिक दवाइयाँ काम नहीं करती तो सेरेसियोपेप्टिडेज देना पड़ता है और फिर रिजल्ट अच्छे भी मिलते हैं, ठीक है। तो पेन हो कहीं पे, यूजर्स की बात कर रहे हैं, कहीं पे पेन है, स्वेलिंग है, सूजन है बहुत ज़्यादा, या कम है दर्द और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे दर्द हो रहा है वहाँ पे, कोई जॉइंट में पेन है, मसल में पेन है, मसल खिंच गई, ठीक है, झटका लग गया वहाँ पे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है, हाथ पांव चलाने में घुटने दुख रहे हैं, या कोई सर्जरी के बाद कोई इन्फेक्शन ठीक हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे ये सारी कंडीशंस में सेरेसियोपेप्टिडेज को दिया जा सकता है। उससे पहले डॉक्टर क्या करेगा, देखो, डाइक्लोफेनिक सोडियम देगा या पैरासिटामोल देगा, एसिक्लोफेनिक देगा या व्हाटएवर। तो जब लगता है कि भाई अंदरूनी हिस्से में इंजरी हुई है, मसल में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब वहाँ पे सेरेसियोपेप्टिडेज दिया जाता है, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है कि डाइक्लोफेनिक पैरासिटामोल से काम नहीं चलता, तो फिर इसको देते हैं। तो बहुत सारे चॉइसेस पे डिपेंड करता, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो कई डॉक्टर्स की अपनी चॉइस ही होती है कि भाई मुझे तो इस बीमारी में यही लिखना है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो एक प्रकार का एनाल्जेसिक की तरह वर्क करता है ये एंजाइम, ठीक है। कुछ सावधानियां होती हैं इसको, सेरेसियोपेप्टिडेज जो कि बायोसुगुरानिल टैबलेट के अंदर होता है, उसकी कुछ सावधानियां ये होती हैं कि भाई शराब के साथ नहीं पीना, ठीक है। शराब के साथ कई लोग सोचते हैं ले ले, नहीं लेना। कोई ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है, करने को कर सकते हैं बट कोशिश करें ना करें, हल्का सा नींद आ सकती है। ड्राइविंग नहीं करना, किडनी की समस्या है डॉक्टर से पूछ के, ठीक है, किडनी लीवर की समस्या कोई है तो डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी डॉक्टर की सलाह से लेना है, ऐसा नहीं कहना हूँ कि बिल्कुल नहीं ले सकते, ले सकते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर के सुपरविज़न में, ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। और छोटे बच्चों को नहीं देना, एलर्जी की समस्या में नहीं देना। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके, बायोसुगुरानिल टैबलेट्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि कफ आएगा, नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। सबसे बड़ा इसका यही प्रॉब्लम है कि भाई अगर आपकी कोई दवाई चल रही है, वारफरिन, हेपेरिन, एस्प्रिन के साथ कभी भी नहीं देना है, ठीक है। खून को पतला करने वाली दवाई चल रही है तो नहीं देना है, ठीक। तो ये चीज़ है, तो उसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को ये अफेक्ट कर सकता है, वो दूसरी दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, ये सबसे बड़ा इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो कई बार इसको यूज़ इसलिए भी नहीं करते, ठीक। तो यूज़ कैसे करना है, डोज समझ लेते हैं। देखो, इसको 30 मिलीग्राम दे सकते हैं, 30 मिलीग्राम खाने से पहले आप 30 मिलीग्राम दे सकते हैं, या 10 मिलीग्राम दे सकते हैं दिन में 3 बार, ठीक है। दिन में 3 बार डिवाइडेड डोज में आप 10 10 10 की हिसाब से दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और अगर 20 मिलीग्राम देना है तो फिर आप उसको दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह और शाम, ठीक है। मैक्सिमम दिन में 60 मिलीग्राम दे सकते हैं, 60 मिलीग्राम मैक्सिमम, ठीक है।
तो ये है इसका मैक्सिमम डोज। छोटे बच्चों को नहीं देना है, एडल्ट्स को ही दिया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बायोसुग्रानल टैबलेट के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे जो कि आपके काम आएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे थे ज्ञानी अर्थ मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।